जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे सत्संग का जय गुरु जी, सत्संग का मुझे हुक्म दिया, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी सत्संग। कल एक छोटा सा मैं सत्संग करना चाहूंगी। कल मैं सोच रही थी कि अब जब सत्संग मैं करूंगी तो मैं ना पॉइंट्स लिख लूंगी, भूल जाती हूँ, तो ये सब मुझे गुरुजी कह रहे थे पॉइंट्स लिख ले कल तेरे को सत्संग करना है। और मुझे आज फोन आ गया, देखो बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि देखो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो कल का यही सत्संग है, बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ कि गुरुजी से मैं 2000 में मिली थी। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया, गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ गई। तो गुरुजी ने गुरुजी को मैंने बताया जब कि मैं पंजाब से हूँ, तो गुरुजी बहुत खुश हुए। तो उसी टाइम गुरुजी सबको अपना स्वरूप बांट रहे थे, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे भी एक दे दो। तो गुरुजी हंसने लगे, अच्छा आंधे नाल मंगल लग गई। तो मैंने कहा गुरुजी एक दे दो, तो गुरुजी ने कहा चल ले ले। तो इस तरह से गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेस करके वो स्वरूप मुझे दिया, जो आज भी मेरे पास मेरे लिए बड़ा अजीज है। इसी तरह से एक सत्संग है, 2000 में हम गाड़ी में जा रहे थे, तो पेट्रोल पंप पर हम रुके पेट्रोल के लिए। हस्बैंड ने गाड़ी खड़ी की, वो हैंड ब्रेक लगाना शायद भूल गए। सर्दी बहुत थी तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, विंडो बंद थी, हस्बैंड बाहर थे। गाड़ी स्लोप पे थी और वो गाड़ी पीछे जाने लगी। अंदर से मैं शाउट कर रही हूँ लेकिन बाहर किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी। हस्बैंड ने देखा तो वो दौड़ के गाड़ी की तरफ आए। तब तक गाड़ी को एक व्हील पर छोटे से पत्थर ने रोक दिया, बाकी गाड़ी बिना सपोर्ट के खड़ी रही। संगत जी, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज ओनली गुरु जी। उन्हीं की कृपा से मैं उस दिन बची। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। पीछे बहुत बड़ी खाई थी, अगर गाड़ी वहां चली जाती तो पता नहीं क्या होता। विक्रम जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी आंटी, बिल्कुल क्लियर है आवाज। अच्छा ठीक ठीक। एक सत्संग मैं कोविड के टाइम का करना चाहूंगी, गुरुजी ने कैसे मेरे पर कृपा की और मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया। 24 अप्रैल को मुझे कोविड हुआ, एक वीक में मैं ठीक हो गई, लेकिन 3 मई को हस्बैंड को हो गया और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन जाने लगा। मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे मैं क्या करूं। हम लोग 40s में गए लेकिन वहां पर हमें कोई अटेंड नहीं कर रहा था। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी कुछ करो, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला तो उसको फोन कर। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया लेकिन मुझे पता था वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कोई इंतजाम नहीं है बेचारी के पास। जैसे ही मैंने उसको फोन किया, उसने कहा ओके मैं इंतजाम करके तेरे को कॉन्सेंट्रेटर भेजती हूँ। मुझे नहीं पता उसने कहाँ से क्या किया, कहाँ से गुरुजी ने उसको कहा कि उसके पास भेजो कॉन्सेंट्रेटर। उसने अपने फ्रेंड को फोन किया और उसने किसी के हाथ मेरे घर कॉन्सेंट्रेटर भेजा। रात हमने उसी से निकाली। ये सब कौन कर सकता है? मेरे गुरुजी कर सकते हैं। वो रात हमारी ऐसे निकली, नेक्स्ट डे कहीं बेड नहीं मिल रहा था। गुरुजी कुछ करो, रो रही थी। मेरे ब्रदर यूएसए में है, वो वहां से ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक छोटे से हॉस्पिटल में बेड मिला, एम्बुलेंस में जा रही थी मैं हस्बैंड के साथ। गुरुजी को कह रहे थे देखो देखो गुरुजी सड़क पर पागल मदन से फिर रही हूँ मैं, आप देख रहे हो ना। थोड़ा गुस्सा थी गुरुजी से मैं। संगत जी रास्ते में ही एक फोन आया कि तुम जल्दी मैक्स पहुंचो, बेड का अरेंजमेंट होगी। उसी टाइम फोन आया, फिर एक फोन आया कि तुम वेदांता में हो गया, चलो भागो वहां जल्दी। आप मानोगे, फिर एक फोन आया हमारे को रोड पे जाते हुए ही कि तुम्हारा फरीदाबाद बेड का हो गया है।
ये कौन करता है, किसने किया ये? सिर्फ मेरे गुरुजी ने, ये और कोई नहीं कर सकता। मेरे जब मैं रो रही थी तो गुरुजी ने देखा मेरे को, तीन बेड तीन जगह पे मुझे गुरुजी ने इंतजाम कर, जितने मर्जी चले जा तेरे लिए बेड बनाता। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि ये हस्बैंड तो वहां, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं घर पे हूँ, रो रही थी। तो गुरुजी ने मैसेज भेजा कि रोना नहीं है, रोने की कोई लोड़ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने, गुरुजी मुझे कैसे पता लगे आप उनको देख रहे हो, मुझे कुछ बताओ। गुरुजी ने मुझे बताया कि मुझे फील हुआ जैसे गुरुजी इनके रूम में गए हैं और गुरुजी वहां खड़े हैं, गुरुजी ने कहा देख मैं यही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कार आ जाऊंगा। मेरे को इसी तरह से आवाज आ रही थी, तो रो मत। मैंने कहा गुरुजी अब आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी, बस इनको घर आप ले आओ। और ये 10-15 दिन के बाद घर आ गए, ये और किसी के हाथ में नहीं था, सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, गुरुजी की कृपा थी। लख लख शुक्राना मेरे दाता, आपके बिना हम पता नहीं आज क्या होते, लख लख शुक्राना मेरे दाता। इसी तरह से लास्ट ईयर हम न्यू जर्सी मेरे बेटे के पास गई, गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लेकर गई। तो था कि पता नहीं बेटा स्वरूप को अच्छे से रखेगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने धीरे से उसके टेबल पर रख दिया। तो उसको तो टेबल पर रखने के बाद उसने तो मत्था टेकना शुरू कर दिया। सुबह सुबह काम करने से पहले गुरुजी के स्वरूप को मत्था टेकता था। तो मन ही मन में सोचने लगी कि मेरे पास इतने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप हैं, मैं वो ले आती, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेके आऊंगी अपने बेटे के लिए। रोज सोचती थी ये बात। तो एक दिन मैंने बेटे से कहा कि न्यू जर्सी में गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर है और बत्रा अंकल है एडिसन में, तो वहां पर मैंने बेटे से कहा मुझे ले चल। तो वो कहने लगे चलो मम्मी। हम गए वहां पर, तो बत्रा अंकल ने हमको इतना वेलकम, इतना मान सम्मान दिया, तो मुझे वहां ऐसा लगा था जैसे गुरुजी के घर, किसी के रिश्तेदार, गुरुजी के रिश्तेदार के घर में आई हुई हूँ, जो मुझे इतना वेलकम कर रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इतना प्यार दिया संगत ने वहां मुझे। तो ये गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। तो वहां पर मेरे को बत्रा अंकल ने जो है बड़े बड़े स्वरूप दिए, क्योंकि गुरुजी ने सुन ली थी मेरी बात कि इसको बड़ा स्वरूप चाहिए बेटे के लिए। और मैंने फिर वहां जाकर बेटे को कहा कि अपने टेबल पर रख ली, और उसने बड़ी इज्जत से गुरुजी का स्वरूप रखा और बहुत विश्वास हो गया उसको गुरुजी पे। इसी तरह से गुरुजी ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर। एक सत्संग है कि मैं वहां जब गई थी तो वहां पर मैंने गुरुजी के पास बैठी थी, बड़ा सारा स्वरूप था गुरुजी का, मैं गुरुजी के पास बैठी, मुझे बिल्कुल गुरुजी वैसे लग रहे थे जैसे हम गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी के सामने बैठे रहते थे। तो मैं मन ही मन में गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी आप ऐसे बिल्कुल वैसे लग रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे आज प्रसाद तो मुझे मिलने वाला नहीं है, जो कड़ा प्रसाद आप बुला के देते थे, तो मैं उसको मिस कर रही हूँ, उस प्रसाद को, उस कड़ा को। तो आप मानोगे संगत जी, जैसे मैं बाहर, हम दर्शन करके बाहर आए तो बत्रा अंकल से बात हो रही थी, तो मैंने कहा आज बहुत मिस कर रही हूँ गुरुजी का प्रसाद, कड़ा प्रसाद जो गुरुजी भर भर के देते थे हमें। कहे अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने उसी एक को बुलाया कि जाओ कड़ा ले, कड़ा प्रसाद लेकर आओ इनके लिए। तो लड़के ने कहा कि नहीं अब तो कड़ा प्रसाद तो खत्म हो चुका सुबह। तो कहते कि नहीं जाके देखो, इन्होंने अगर गुरुजी से कहा है तो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। संगत जी आप मानोगे, वो देखने गया जहां रखा हुआ था तो दो ही थे, एक मेरे हस्बैंड के लिए एक मेरे लिए, वो दो कड़ा प्रसाद लेकर आए। तो इस तरह से गुरुजी हमारे मन की बात कब सुन लेते हैं और कब हमारे लिए चमत्कार कर देते हैं। मुझे, मैंने सुना बहुत था लोगों से कि ऐसे होता है, लेकिन मेरे साथ पहली बार हुआ तो मुझे यकीन आया कि गुरुजी सुनते हैं अपने अपने सब सब संगत की। तो ये सब
याद करके सब करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी तरह से उस दिन हम जब गए तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी इनको ब्लेस करो कि इनके हेल्थ ठीक रहे और आज इनका बर्थडे भी है। तो बत्रा अंकल ने कहा कि आओ भाई केक काटना है, उनके पोती का जन्मदिन है। तो मैंने ऐसे कहा अरे आज तो मेरे हस्बैंड का भी जन्मदिन है, तो चलो चलो इकट्ठा काटते हैं। तो गुरुजी ने वो केक और उसकी उनकी पोती का जो बर्थडे था वो 3 दिन पहले था, उन्होंने उस दिन नहीं काटा। जिस दिन हम गए हैं इनका बर्थडे था 20th को, तब वो जो है केक काटा गया, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ होगा कि वो आएंगे उनके साथ केक काटने। और इतना इतना मन खुश है, इतना शुक्राना गुरुजी का कि ऐसे इस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैं यही कह रही थी गुरुजी को, गुरुजी आज इनका बर्थडे है, इनको ब्लेस करो। गुरुजी ने खूब ब्लेसिंग दी इनको। उस टाइम पे मन इतना खुश हुआ सब ये देखकर, सबने विश किया। और एक और सत्संग करना चाहूंगी मैं। गुरुजी ने जब चोला छोड़ा मुझे नहीं पता था, और मैं ऑटो डेली थी, तो गुरुजी ने ड्रीम में आकर मुझे दिखाया कि जैसे बहुत सारे संगत खड़ी हुई है, बहुत सारी, और गुरुजी मैं देख रही हूँ गुरुजी बहुत दूर चले गए हैं पहाड़ी पे। तो मैं लोगों से कह रही हूँ ड्रीम में ही, हटो हटो मुझे गुरुजी के पास जाने दो, मुझे दर्शन करने दो। लेकिन लोग मुझे कह रहे नहीं 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 आप वहां नहीं जा सकते, गुरुजी बहुत दूर चले गए हैं। तो इसी तरह से मैं काफी देर तक उन लोगों से बोलती रही कि मुझे जाने दो, नहीं जाने दिया उन्होंने। तो ड्रीम खत्म हो गया, 2-4 दिन ऐसे निकल गया। याद करती थी कि ऐसा ड्रीम क्यों आया। तो एक दिन वॉक करने के लिए जा रही थी तो एक मेड मुझे मिली, वो मेड गुरुजी के पास जाया करती थी। वो मुझे कहने लगी मैडम आपको पता है गुरुजी का भाई क्या हुआ कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। मैं क्या क्या कह रही है, पागल है क्या, कह रही सच में। तो मुझे लगा गुरुजी ने तो मुझे पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था। उस टाइम हम समझ नहीं पाते कि ये सब क्या है, लेकिन अभी लगता है गुरुजी कितना हमारे बारे में सोचते हैं और हमको पहले से ही सब कुछ बता देते हैं। ऐसे ही एक सत्संग और आपको मैं बताती हूँ वैष्णो देवी जी का। तो हम लोग पूरी फैमिली वैष्णो देवी गए, तो वहां पर जब हम गए तो देखा बहुत तेज बारिश थी। हम बड़े परेशान थे कि अभी हम ऊपर माता जी के वहां जाएंगे कैसे, चढ़ाई करनी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम आए हैं तो हमने सोचा चलो रेन कोट हमने सबने खरीद लिए। तो मेरी सिस्टर को पता था कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो वो मुझे कहने लगी कि चलो तुम अपने गुरुजी को करो ना अरदास कि वो बारिश रोक दे, देखते हैं ना। तो मैंने कहा अरे ये तो मेरे को चैलेंज कर दिया मेरी सिस्टर ने। तो मैंने आंखें बंद की, मैंने गुरुजी अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, अब आप ये देखो बारिश रोको। तो चलो ठीक है, हम चढ़ाई करने लगे। संगत जी आपको क्या बताऊं, जैसे हमने शुरू की बारिश रुक गई, हम लोग ऊपर चले गए, सब दर्शन वगैरह भी कर लिए, और आप मानोगे एक बूंद नहीं हमारे ऊपर की। वापसी आए तब भी हमारे ऊपर एक बूंद नहीं, बारिश ही नहीं हुई, हमारे रेनकोट तह के तह थे और हम आराम से दर्शन करके नीचे आ गए। नेक्स्ट डे में गुरुजी के पास हम लोग गए तो गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी कहते हैं कहते फिर की होया कल। मैं हंसने लगी तो कहते जब सबने संगत ने दस की होया थी। तो मैंने फिर सबको बताया कि कल गुरुजी ने मेरे पर कितनी कृपा की और मेरे सिस्टर का भी फेथ बढ़ा कि हाँ गुरुजी कुछ है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे पर कृपा की और हमने ठीक ठाक दर्शन करके बिना भीगे हम वापिस आ गए। तो इस तरह से गुरुजी मन की बात सुनते हैं। और ऐसे ही हम जब न्यू जर्सी थे तो वहां पर कोविड का तो चल ही रहा था, लेकिन ये था कि सबको टेस्ट करा के ही जाने बोर्डिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमने जब टेस्ट करवाया तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ रही थी और हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा था,
हस्बैंड बहुत टेंशन में थे, बेटा भी टेंशन में था कि क्या होगा अगर बॉर्डिंग नहीं हुई तो। लेकिन मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास था। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि टेंशन मत लो, गुरुजी कुछ कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं। कह रहे था एक बज गया है, 4 बजे की हम जाना है एयरपोर्ट, कैसे होगा। संगत जी आपको क्या बताऊं, उसी टाइम बेटे के पास मैसेज आ गया और उन्होंने क्या कहा कि आपका जो टेस्ट अभी हुआ ही, हमारे पास जो आपका वो है टेस्ट हुआ ही नहीं, हमारे पास अभी आया है आपका जो है सलाइवा वगैरह जो भी होता है। तो हम कह नहीं सकते कि आपके फ्लाइट तक आपके पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी। हमने कहा आप क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं। संगत जी 2 बजे उनकी उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि नेगेटिव है, आप जाओ, और हमारे पास मैसेज आ गया। ये कौन कर सकता है? सर गुरु जी कर सकते हैं, नहीं तो क्या 1 बजे जिनके पास हमारा टेस्ट जाएगा वो रिपोर्ट देंगे। लेकिन गुरु जी ने मेरा ये काम किया। मैंने बच्चों से हस्बैंड से ये कहा कि देखो मैं आपको कह रही थी ना कि गुरु जी कुछ कर रहे हैं, आप शांति से बैठ जाओ। लेकिन वो बहुत टेंशन में थे, लेकिन मैं रिलैक्स थी। मैंने कहा मुझे विश्वास है गुरु जी पे, गुरु जी हमारी फ्लाइट तो मतलब हमको बोर्डिंग तो कराएंगे कराएंगे, कैसे भी कराए। और वही हुआ। इसलिए गुरु जी हमारे को ब्लेस करते हैं, हमारी सुनते हैं। और हम जाते थे गुरु जी के पास, हम वसंतकुंज में रहते हैं तो गुरु जी का एम्पायर स्टेट पे हमारा जाना रहता ही था। हम चले जाते थे गुरु जी के पास, जाते थे लंगर करते थे, और जब हम लंगर कर रहे होते थे गुरु जी सामने बैठे होते थे। तो एक वाइफ जब आती थी तो ऐसा फील होता था जैसे फादर बैठे हैं सामने और हम उनके सामने लंगर कर रहे हैं। वो देखते रहते थे, ब्लेसिंग देते रहते थे, सब लोग ऐसे पैम्पर्ड से फील, मैं पैम्पर्ड फील करती थी बहुत कि गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, हम खाना लंगर कर रहे हैं। मैं बहुत गुरुजी के पास अच्छा लगता था। वो चलता था, सत्संग चलता था, हम लोग जो है सुनते रहते थे, और इतना शांति थी, इतनी शांति मिलती थी, वो हम बहुत मिस करते हैं। हमें पता ही नहीं था कितनी जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा कि हम गुरु जी के फिजिकल रूप में देख नहीं पाएंगे, नहीं पता था। अब जो है लगता है हाई ये हम जब गुरु जी थे हम ये कर लेते, गुरु जी मेरा बड़ा मन होता था गुरु जी मुझे कहें कि अपने लो मेरे चरण दबा। कई बार मैं गुरु जी के चरण पकड़ भी लेती थी, गुरु जी कभी कहते ही नहीं थे, मैं देखती रहती थी फेस की तरफ, कभी तो कहें, लेकिन गुरु जी ने कभी मुझे ये मौका नहीं दिया। तो ये चीज मेरे को मैं बहुत मिस करती हूँ। और कभी कभी हम गुरु जी हमें वहां बड़े मंदिर भी ले जाते थे, तब मंदिर बन रहा था अभी, और वहां पर हम काफी देर तक, देर रात तक बैठे रहते थे, फिर उसके बाद लंगर करते थे और बैठे रहते थे। काफी मतलब अंधेरा होता था आने जाने में, लेकिन हम चले जाते थे और गुरु जी ले जाते थे हमें। और अब वही ध्यान आता कि गुरु जी कितना स्माइलिंग फेस था और कहते चलो मंदिर चलते हैं, और हम सब जने इकट्ठे होकर चले जाते थे। ये सब बातें जो है बहुत याद आती है गुरु जी की। गुरु जी हमारे आस पास ही है, इतना तो मुझे फील होता है कि गुरु जी, जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है मैं गुरु जी को आवाज लगाती हूँ और मेरा अगले दिन ही मेरा काम सब ठीक हो जाता है। ऐसे में ब्रदर का एक सत्संग बताऊंगी कि मेरे ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। तो मैं उनसे बहुत अटैच्ड हूँ, तो मेरे बड़े ब्रदर हैं बहुत, जैसे फादर के बाद उन्होंने ही हमें संभाला था। तो बड़ा रोना सा आता था मुझे कि गुरुजी मेरे भाई को ठीक करो, भाई के लिए कुछ करो, आप हो ना उनके पास। तो एक दिन ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे चार्टर्ड प्लेन में हम सब फैमिली जा रहे हैं, तो जैसे बैठे हैं बड़े चुपचाप हैं क्योंकि सर्जरी होनी है, डर लग रहा था। तो इतने में मुझे ड्रीम में ही लगा कि सामने गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने कहा अरे गुरुजी कहाँ से आ गए गुरुजी? तो गुरुजी ने स्माइल किया, मुझसे बात नहीं की, लेकिन मेरे ब्रदर से बहुत देर तक बात करते रहे। तो मुझे फिर विश्वास हो गया अब मेरे ब्रदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। संजय जी आपको क्या बताऊं, जैसे वो गए सर्जरी के लिए जा रहे थे, डर तो लगता है, डॉक्टर है खुद वो, लेकिन फिर भी
जब अपना होता है तो मुश्किल होती है। सर्जरी हो गई और जब वो सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हुए आए जब अपने रूम में, तो हंसते हुए आ रहे, कह रहे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा ये और कोई नहीं, ये मेरे गुरु जी के चमत्कार है, उनके बिना कोई नहीं कर सकता। देखो कैसे हंसते हुए आ रहे हैं, उनको सर्जरी के बाद चलना मुश्किल होता है। ये कौन है? ये मेरे गुरु जी है, गुरु जी मेरी सुनते हैं। जब भी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी हमारी सुनते हैं। गुरु जी को पता है मुझे कब किस टाइम पर मेरे को अपनी संगत का ध्यान करना है, और गुरु जी सबको बचा के ले आते हैं। ऐसे है हमारे गुरु जी। हम जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो सब प्रसाद भी हो गया, सत्संग भी हो गया, तो गुरुजी और जब हम लंगर कर लेते थे तो गुरुजी का फिर वो होता था कि चलो अब घर जाओ, सबको आवाज लगा लगा के बोली चलो चलो चलो, तो कोई भी जाने को तैयार नहीं रहता। हम मैं तो नीचे मुंह करके बैठ जाती थी कि आंख मिल जाएंगी तो गुरुजी ने कहा तो फिर तो रुक नहीं सकते, लेकिन नीचे बैठे रहते थे मुंह करके, हमारा जाने को वहां से मन ही नहीं करता था। फिर गुरुजी कहते चलो सब चलो चलो, तो जब घर से उसे वहां से निकलते थे तो अच्छा लगता घर था घर आने में। तो इस तरह से गुरुजी के साथ हमारे 4-5 साल बड़े अच्छे निकले। लेकिन एक बार जो है मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और जगह पर हो गई, तो मैं अपने नेबर के साथ में जाने लगी, 2-3 बार गई हूँ। तो गुरुजी मेरे से कहने लगे कि तेरे हस्बैंड कितने है? मैंने गुरुजी और जगह पोस्टिंग होगी तो उनको आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आना तो उधर नाल ही आना है, पड़ोसियों के साथ नहीं आना। उसके बाद मेरा गुरुजी के पास जाना बंद हो गया। लेकिन अभी बहुत तकलीफ होती है कि क्यों बंद किया गुरुजी ने, इसके पीछे भी कोई कारण होगा, गुरुजी जानते हैं क्यों गुरुजी ने कहा। तो फिर उसके बाद गुरुजी से मैं नहीं मिली, गुरुजी चले गए चोला छोड़कर। तो बहुत तकलीफ हुई कि गुरुजी ने मेरे को आने नहीं दिया, दो साल में नहीं गुरुजी के पास गई। ये इसके पीछे भी कुछ कारण होगा जो गुरुजी ने ऐसा कहा। गुरुजी जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इसलिए हमें जो गुरुजी कहते हैं वही हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा वही जानते हैं। हम तो कुछ और मांगते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है क्या देना है, क्या इसके लिए अच्छा और कब अच्छा है। इसलिए कभी भी निराश भी नहीं होना चाहिए, कभी भी उतावले नहीं होना चाहिए कि हमारा काम नहीं बन रहा। वो गुरुजी जानते हैं, राइट टाइम आता है गुरुजी काम बनाते हैं करते हैं, और तुमको पता ही नहीं लगता कि वो मेरे काम कब बन गया। वो जानी जान है कि कब इसको ये चीज मिलनी चाहिए, कब वैल्यू होगी इसको, नहीं तो वो नहीं देंगे अगर तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है या अभी टाइम नहीं आया तो। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना, गुरुजी पे अपनी वो विश्वास नहीं छोड़ना, विश्वास रखो श्रद्धा रखो, गुरुजी करते हैं। और बहुत सारे सत्संग अभी तो याद नहीं आ रहे, मैं सोचा था ये बोलूंगी, पता नहीं अब गुरुजी वो याद ही नहीं दिला रहे। गुरुजी ने बहुत मेरे को तो ब्लेस किया है। ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा जो है वो गुरुजी के पास जाता था हमारे साथ, छोटा नहीं जाता था, करते वो थोड़ा सा कि इतना बैठना मेरे बस की नहीं है। तो बड़ा बेटा जाता था, तो बड़े बेटे ने 12th किया, तो उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इंजीनियरिंग में इसको एडमिशन दिलवाना है। कह रहे ठीक है। तो फिर पंजाब उसमें गुरदास यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन दिलवा दिया। तो गुरुजी के पास हम गए, बताया गुरुजी को, गुरुजी इसका एडमिशन करवा दिया गुरदासपुर में। कहता चंगा कितना, इन्हें अमरीका भेज दे। उस टाइम तो मैंने सोचा इन अमरीका में क्या है गुरुजी, कहते हाँ हाँ अमरीका भेज, ते नाल तू भी चली जाएगी। मैंने कहा गुरुजी मैं ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? तो उसने अपना इंजीनियरिंग पूरी की तो एमएस करने के लिए ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे प्रोग्राम बना, यहाँ पे उसका हर जगह उसकी जॉब लग गई थी, लेकिन उसका फिर हमने वहां भेज दिया उसको यूएस में।
अब गुरु जी की कृपा से वो वहां पर सेटल है। तो ये सब गुरु जी जानी जाने, उनको पता है कि इसके लिए क्या करना है, और बता देते थे कि तू इसको अमेरिका भेज दे। हमने सोचा ही नहीं था कभी, छोटे वाला बेटा नहीं जाता था। मैंने कहा गुरु जी देखो आता नहीं है हमारे साथ, तो गुरु जी कहते आऊगा आऊगा। मैं गुरु जी बुलाती हूँ आता ही नहीं, कहते आएगा आएगा। तो दो दिन के बाद खुद ही बोला कि मम्मी आज मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चल। तो मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी देखो ये आ गया आज, तो कहते मैंने तुम क्या सी ना आऊगा क्यों नहीं आएगा। तो गुरु जी सब जानते हैं और उनको मालूम है, और वो ऐसी ब्लेसिंग भेजते हैं कि ऑटोमेटिकली जो लोग के चले आते हैं गुरु जी की तरह। और अब वो छोटा बेटा जो है गुरु जी का पूरा वो बना हुआ है, शागिर्द बना हुआ है, गुरु जी को बहुत मानता है, हर रोज गुरु जी के स्वरूप के आगे जल रखता है, जल फिर वो जल प्रसाद लेता है, कह मम्मी ने गुरु जी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसको फिर अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा घर लिया उसने, ये सब किसकी कृपा है? ये गुरु जी की कृपा है और किसी की नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, जैसे गुरु जी का स्वरूप रखा घर में और उसका सब अच्छा होने लगा। तो ये गुरु जी की कृपा ही है, गुरु जी जानते हैं, गुरु जी पता है कब क्या करना है। और इसलिए वो जो है गुरु जी के मंदिर भी जाता है, वहां पर उसको सेवा मिल जाती है कई बार। वहां पर बत्रा अंकल कहते हैं चल तुमको आज ये सेवा गुरु जी ने कहा है ये करो, ठीक है अंकल सैटरडे को आना, अच्छा गुरु जी ने बुलाया तो हम जरूर आएंगे। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी ने छोटे बेटे को अपने चरणों में जगह दी हुई है, और वो जो है श्रद्धा से गुरु जी के साथ जुड़ गया है। गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी इनकी जो विश्वास कभी टूटने ना पाए, इनको है अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना, और यही मेरी विनती है गुरु जी से। बस गुरु जी संगत जी अभी तो मैं इतना ही सत्संग सुनाती हूँ, गुरु जी आगे मेरे पे कृपा करेंगे तो मैं फिर और सुनाऊंगी, हैं बहुत सारे लेकिन अभी याद ही नहीं आ रहे हैं। और गुरु जी से भी अगर कोई गलती हो गई तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना, मेरे से कोई भी गलत वर्ड बोला गया हो तो नहीं पता ही नहीं लगता कई बार। और गुरु जी मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे ऐसे सत्संग मेरे से करवाते रहना। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे सत्संग करे, बहुत दिन हो गए मुझे सत्संग करना है, और गुरु जी ने आज मेरे से ये सत्संग करवाया। गुरु जी लख लख शुक्राना आपका, ऐसे अपने चरणों के साथ मुझे लगाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, हेल्थ देना गुरु जी सारे सब संगत को, हेल्थ देना, हेल्थ है तो सब कुछ है। ये मैंने कोविड में जाना, और कुछ नहीं चाहिए, अगर हेल्थ है तो सब कुछ मिल जाता है। ये कोविड का खत्म हो जाए, सारी संगत हेल्दी रहे, खुश रहे, मेरी यही आपके सामने विनती है मेरे गुरु जी, मेरे महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी।